नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर नव निर्मित समाहरणालय भवन की भव्यता और स्वच्छता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समाहरणालय भवन की आंतरिक व साज सज्जा और रखरखाव यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विगत 30 दिसंबर 2020 से हजारीबाग समाहरणालय में विभिन्न सरकारी दफ्तर संचालित हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय जिला मुख्यालय होने के कारण इस भवन में आगंतुकों की संख्या अमूमन अधिक होती है। समाहरणालय भवन की खूबियों के विषय में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बातचीत के क्रम में विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी। जिला जनसंपर्क टीम में जनसंपर्क अधिकारी पंचानन उराम एवं सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार द्वारा भवन के तीनों मंजिलों के लॉबी एरिया में हजारीबाग जिले की विशेषता को दर्शाती फोटो फ्रेम लगाई गई है, जिसमें यहां के वन्यजीव, खान पान, कला संस्कृति, झील झरने, पर्यटन स्थल तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां दर्शाई गई हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हजारीबाग स्थित समाहरणालय भवन पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के लिए एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो चुका है। उपायुक्त नैन्सी सहाय के इस अनूठी पहल की लोग सराहना कर रहे हैं।